गणेश जी की पूरी आकृति ही किसी न किसी गुण और शक्ति का यादगार है, गुण और शक्ति की तरफ इशारा कर रही है, और उन गुण और शक्तियों की स्मृति करके उनका जीवन में प्रयोग करके कैसे हम श्रेष्ठ देव बन सकते हैं आदि आदि आप सभी ने सुनाया ही होगा क्लास में। मैं अपनी बात करूं तो गणेश जी की जो यादगार है उसमें मुझे सबसे अच्छा लगता है और जिसका मैं प्रैक्टिस करता हूं वो है शुभता। जो गणेश जी की शुभता है, जो उनके जीवन में शुभता बताई हुई है, वो बहुत ही अद्भुत, आकर्षक और जीवन के लिए श्रेष्ठ है। शुभता एक विशाल शब्द है जितना मैं समझा हूं, और उस शुभता में पवित्रता भी आती है, पर मूल उसका तत्व, शुभता का तत्व है कि सबका कल्याण करने की भावना, सबका भला करने की भावना, या जिनकी उपस्थिति से लोगों के दुख दूर हो जावे, जिनके मन में सदा यही संकल्प चले कि किसी के कोई विघ्न है तो वो दूर हो जावे, जिसे प्रायः हम शुभ भावना, शुभ कामना के रूप में भी वर्णन करते हैं। बाबा ने कई मूल्यों में इसका अत्यधिक महत्व बताया है, दुआएं जमा करने का एक मुख्य साधन बताया है। तो जो ये शुभता का भाव है, अगर शुभता का भाव हमारे जीवन में आ जाता है, जीवन का एक अंग बन जाता है, हमारी आदत बन जाती है, हमारा संस्कार बन जाता है, तो देव जीवन यही अनुभव होता है। आप देखेंगे देवताओं का वर्णन क्यों आता है, आज सूर्य को देवता कहते हैं। सूर्य को देवता इसलिए कहते हैं कि वो सदा ही देने का कार्य करता है, जो उसके पास है, जो उसकी विशेषता है, जो उसके अंदर है, वो दूसरों को देना। पेड़ को भी देवता कहते हैं, चाहे वह छाया देवे, फल देवे, लकड़ी देवे, दवाई के रूप में पत्तियां देवे, जो भी देवे वो देवता के रूप में माना जाता है। जल देवता कहलाता है जो देता है, तो देवता माने देने वाला। तो जब शुभता का भाव अगर हम आत्मा के अंदर स्थिर हो जाता है, स्थित हो जाता है, परमानेंट जैसे वो उद्भव हो जाता है, जो मर्ज रूप में है वो इमर्ज हो जाता है, तब हमारे संपर्क में आने वाली, चाहे प्रत्यक्ष संपर्क में, चाहे परोक्ष संपर्क में, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इन एनी वे जो हमारे संपर्क में आते हैं, उनसे हमें बहुत अच्छा फील होता है। वो बाहरी तौर पर हो सकता है कि किसी कारण से हमारा विरोध करते हो, लेकिन अंदर से उनकी आत्मा, वह आत्मा भी बहुत अच्छा फील करती है और वो बार बार हमारे संपर्क में आना चाहती है। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक गांव में एक व्यक्ति, उसको बच्चे चिढ़ाते थे, उसको बोलते थे जय राधे श्याम, और वो बच्चों के पीछे उनको मारने के लिए पत्थर लेके, लकड़ी लेके भागता था और बच्चे आगे आगे भागते थे। तो जैसे ही
कोई बच्चा उसको देखता था, उस व्यक्ति को, तो बच्चा बोलता था जय राधे श्याम, और वो बच्चों को मारने के लिए जाते। ऐसे ही वो पूरे गांव में फेमस हो गया था और बच्चे उसको इसी रूप से चिढ़ाते थे। एक बार एक संत उस गांव में कथा करने के लिए आए, तो संत ने जब देखा कि ये व्यक्ति इस प्रकार जय राधे श्याम कहने से चिढ़ता है, लोग बच्चों को मारने दौड़ता है, तो एकांत में उस व्यक्ति को बुलाया उस संत ने और कहा, भाई राधे श्याम तो भगवान का नाम है, फिर आप क्यों चिढ़ते हो? ये तो अच्छी बात है, जब अच्छी बात है तो आपको खुश होना चाहिए, आप चिढ़ते क्यों हो? संत ने उसको समझाने की कोशिश की। उन्होंने बड़े धीरे से संत के कान के पास में मुंह ले जाके कहा कि महाराज आप संत हैं, लेकिन मैं संत नहीं हूं। आप कहेंगे तो ये 10-15 मिनट घर पे भगवान को याद भी कर लेंगे, राधे श्याम का जाप भी कर लेंगे, लेकिन मैं कहूंगा तो कोई एक बार भी राधे श्याम का जाप करने का तैयार नहीं है। इसलिए मैं जब चिढ़ता हूं तो वो मुझे चिढ़ाने के लिए भी तो राधे श्याम ही बोलते हैं, तो उसी में मुझे मजा आता है, और वो ज्यादा से ज्यादा बोले इसलिए मैं उनको उनके पीछे ऐसे ही भागता हूं ताकि वो मुझे चिढ़ावे और उनके मुंह से राधे श्याम शब्द निकले। कहने की बात यह है, जिसको जो अच्छा लगता है वो बाहर से भले रूप दूसरा होता है लेकिन अंदर से वो चीज अच्छी ही लगती है। तो हमारी शुभता है तो कोई बाहर से भले हमारा विरोध कर रहा हो लेकिन हमें पता है कि हमारी शुभता उनको अच्छी लगती है। तो गणेश जी का जो ये यादगार जीवन बताया हुआ है उसमें शुभता का जो तत्व बताया है वो तत्व हम सभी बाबा के बच्चों में विद्यमान है। किसी में 40% इमर्ज है, किसी में 60% इमर्ज है, किसी में 80% इमर्ज है, किसमें और भी उससे ज्यादा, लेकिन ये तत्व हमारे से इमर्ज होना चाहिए कि सदा ही हमारे मन में शुभता का भाव रहे। इसका अर्थ ये नहीं कि कोई हमारा विरोध नहीं करेगा, हम कर रहे हैं उससे हमको थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए प्रयास नहीं करेगा, वो सब तो होगा और वो होना जरूरी भी है ताकि हमारी अन्य प्रकार से सभी परीक्षाएं हो जाए, इसलिए वो जरूरी भी है, पर हमारे शुभता का भाव उससे विचलित नहीं होना चाहिए। वह अंगद के पैर की तरह अडिग हमारे आत्मा में शुभता का भाव होना चाहिए, चाहे कोई कैसा भी हो लेकिन उसके लिए हमारे मन में शुभता का भाव ही रहे। ये एक लेवल के बाद कठिन हो जाता है, पहले बात करने में इजी होता है कि हाँ भाई सबके लिए शुभ भावना शुभकामना रखना है, लेकिन जब अति हो जाती है तब वो मुश्किल हो जाता है कि भाई ऐसी परिस्थिति में हम कैसे रखें ये चीज। लेकिन अपना अनुभव ये कहता है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, विरोध किसी भी स्तर का हो, बुरा कितना भी करना चाहे सामने वाले, अगर हमारा शुभता का भाव टिका रहता है तो वो हमारे लिए तो बहुत कल्याणकारी होता है, उनके लिए भी बहुत कल्याणकारी होता है। आप कहेंगे फिर उनको सजा कौन देगा, उनको सजा भी तो मिलनी चाहिए ना, अगर वो कोई इस प्रकार से बुरा कर रहा है तो वो आत्मा को अपने कर्म की सजा ऑटोमेटिक मिल जाएगी, लेकिन हम ये भी नहीं सोचे कि उसको सजा मिलनी चाहिए, ये भी शुभता नहीं है। अगर हम ये सोचते हैं कि उसको सजा मिलनी चाहिए तो मैं समझता हूँ ये भी शुभता नहीं है। हमारे मन में हर परिस्थिति में अनकंडीशनली शुभता का भाव ही रहे, हर एक के प्रति शुभ भावना शुभकामना ही रहे, तो हम सच्चे देव विघ्न विनाशक बन सकते हैं और बने हुए हैं। मैं तो यही कहूंगा सभी बने हुए हैं,
तो ऐसे यादगार दिन की आप सभी को बहुत 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 बधाई हो, बधाई हो, बधाई।